जब हम एल्कली मेटल के रिड्यूसिंग पावर को डिस्कस करते हैं, एल्कली मेटल जो फर्स्ट ए ग्रुप में आते हैं, तो दो अलग अलग कंडीशन में इनका जो रिड्यूसिंग पावर है उसका अलग अलग आपको ऑर्डर मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी कंट्राडिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और वो कंडीशन डिस्कस करेंगे जिस कंडीशन में आप इनके स्पेसिफिक ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पे जो एल्कली मेटल होंगे उसमें कुल छह एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। एंड व्हेन यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, देन यू फाइंड दैट दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, एंड बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे गेट द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। एंड यू नो दैट ऑल द मटेरियल्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं, और एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से इनका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन उतना ही इजिली हो जाएगा, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई हो जाती है। तो जब हम लोग रिड्यूसिंग पावर को डिस्कस करते हैं तो उस कंडीशन में जो मेटल सॉलिड होता है इसको सबसे पहले मेटल गैस में कन्वर्ट करना होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, एंड द इंथेल्पी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और इंथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बेस पे जब आप डिस्कस करोगे इसके ऑर्डर को तो सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो नीचे वाले एलिमेंट का आएगा, इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो होता है फ्रेंसियम, सीजियम, रूबीडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। मींस इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी सबसे ज्यादा होगी और लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होती है। इसका जब हम लोग ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे केवल इंथेल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज हो रहा है, मींस हम मेटल के गैसियस स्टेट को डिस्कस करते हैं, मतलब ये आपका ऑर्डर करेक्ट होगा जब आप एल्कली मेटल को यूज करोगे केवल गैसियस स्टेट में। अगर आप स्टेट को चेंज कर देते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन जनरली हम लोग कराते हैं वाटर के अंदर, यानी एक्वस मीडियम में जब आप एल्कली मेटल को यूज करते हो तो वहां पे ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ये ऑर्डर क्यों चेंज हो जाएगा उसी को हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, एक्वस सोल्यूशन में जो रिएक्शन है वो तीन अलग अलग स्टेप में पूरा होता है, और उसमें जो पहला स्टेप है उसमें जो मेटल सॉलिड होगा उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं मेटल गैस में, मतलब प्रोसेस होगा सब्लिमेशन, और जो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी बोल देंगे। दूसरा स्टेप होता है, अब जो मेटल ये गैसियस स्टेट में मिला है इसका हम लोग कर देंगे आयनाइजेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और गैसियस कैटायन बनाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, एंड द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज आयनाइजेशन इनथैल्पी। एंड इन थर्ड स्टेप मेटल आयन गैसियस स्टेट एडेड इन टू द वाटर एंड अंडर गो हाइड्रेशन एंड बिकम मेटल कैटायन एक्वस। यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम हाइड्रेशन इनथैल्पी बोलते हैं। तो इन तीनों एनर्जी का जो कंबाइंड इफेक्ट है इस इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। तो अब इस एक्वस सोल्यूशन में जब आप ऑर्डर इसका लिखोगे तो वहां पे लिथियम का जो एनर्जी ये होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मतलब ये सबसे आसानी से मेटल सॉलिड से मेटल कैटायन एक्वस में कन्वर्ट होगा, इसलिए जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है लिथियम की, उसके बाद रूबीडियम, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम का नंबर आता है,
रूबीडियम और सीजियम का जो रिड्यूसिंग पावर एक्वस सॉल्यूशन में है वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रूबीडियम के लिए ज्यादा आ जाता है। तो ये आप ऑर्डर लिखोगे, यानी जब भी आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग पावर, तो वहां पे हम गैसियस स्टेट जनरली डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और केमिकल रिएक्शन हमेशा एक्वस मीडियम में होगा, इसलिए आपको लिखना होगा लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे हाई होती है और सोडियम की सबसे कम होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब सोडियम का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, तो इसको ऐड करने पे वाटर के अंदर क्यों ये आसानी से फायर कैच कर लेता है? तो इसका आंसर क्या है समझ लीजिए, इन सारे मेटल को जब आप देखोगे तो आपको सबसे सॉफ्ट मेटल सोडियम मिलेगा, और सॉफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि सोडियम सोडियम के साथ जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक है, और वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, जैसे इसको हीट हम प्रोवाइड करते हैं उस हीट को यूज करके बहुत आसानी से ये मेल्ट कर जाता है, और इस मेल्टिंग की वजह से वाटर सरफेस के ऊपर एक बड़ा सा एरिया ये कवर कर लेता है, और ज्यादा हाइड्रोजन के रिलीज होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बहुत जल्दी ये कैच फायर कर लेता है। बाकी के केस में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होने की वजह से वो आसानी से फायर को कैच नहीं कर पाते। ये पूरा इसका ऑर्डर है, तो आपको इसी ऑर्डर में इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।